प्यारे दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखा था। अब प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, उनमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट टेंस, इसमें नंबर वन है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। इसके लिए, इसको जानने के लिए, जो भी वर्तमान काल में सैद्धांतिक रूप से या सामान्य क्रियाएं संपादित होती हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। मुख्य क्रिया के अंत में, इसमें अगर हम पहचान के रूप में देखें हिंदी वाक्य में, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, इत्यादि जुड़ा रहता है। इसके अलावा जो भी सामान्य रूप से क्रियाएं होती है या सैद्धांतिक रूप से जो क्रियाएं होती हैं, वो इसी टेंस के अंतर्गत आती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म या कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ है पूरक, वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाला। इसमें वर्ब वन या वर्ब फाइव, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में थोड़ा जाना था, यहाँ पर भी एक बार हम डीपली जाएंगे। अगर उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण के रूप में हम एक सेंटेंस लेते हैं कि वह क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब, इसमें सब्जेक्ट है वह, ये है सब्जेक्ट, खेलता है इसको हम कहेंगे वर्ब, और क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको अंग्रेजी में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात ही, उसके बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव। तो ही के साथ हम वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं, तो खेलना का हो जाता है प्ले, और वर्ब फाइव करने के लिए इसमें एस जोड़ना पड़ेगा, ही प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर प्ले में एस लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। एक और वाक्य लिख सकते हैं, वे लोग सदा, सच या सत्य भी लिख सकते हैं, बोलते हैं। वे लोग यहां सब्जेक्ट है, और बोलते हैं वर्ब है, तो हम लोग यहां पर दे सब्जेक्ट हमारा हो गया, और ये प्लुरल है तो यहां वर्ब वन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर सदा भी है, तो दे के साथ हम लोग ऑलवेज पहले लिख लेंगे, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वे लोग सदा सच बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है
कि ये वर्ब वन और यहाँ वर्ब फाइव की, तो हम कब वर्ब वन का प्रयोग करेंगे और कब वर्ब फाइव का, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, इसको हम नोट के तौर पे लेते हैं, वन वर्ब अपने मूल रूप में बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में रहता है। पहली बात है, वर्ब अपने मूल रूप में रूट फॉर्म में प्लूरल नंबर में रहता है। वही दूसरी बात है, इसे एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर में बदलने के लिए अंत में एस या ई एस जोड़ते हैं। ये थोड़ा सा विपरीत लग रहा होगा। हम लोग नाउन में जानते हैं कि नाउन को प्लुरल बनाने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं। नाउन के विपरीत कार्य इसमें करना होता है। अगर इसको उदाहरण के रूप में लें तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, दो पार्ट में इसको बांट करके हम देख लें। जैसे ये जो हमारा है बहुवचन भाग है, बहुवचन क्रिया, अर्थात इसको हम वर्ब वन कहते हैं। इधर लेते हैं एक वचन क्रिया, इसको हम वर्ब फाइव। अगर हम यहाँ पे प्ले लिखते हैं तो ये बहुवचन है और इसका एक वचन हो जाएगा प्लेज, प्ले में एस जोड़ करके। इसी प्रकार से अगर हम डू लिखते हैं तो ये बहुवचन क्रिया है, और अगर हम इसमें ई एस जोड़ दें तो ये एक वचन क्रिया बन जाती है। अगर हम फ्लाई लिखते हैं एफ एल वाई, तो ये हो जाएगा, वाई को हटाना पड़ेगा, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि देखने में तो ये जो एस वाला है वो बहुवचन लग रहा है, लेकिन ये बहुवचन है नहीं। ये एस वाला बहुवचन वही होता है जो नाउन हो। ये सब वर्ब है और वर्ब के अंत में एस या ई एस जोड़कर एक वचन बनाया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि हम किस कंडीशन में वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, किस कंडीशन में वर्ब फाइव का। तो सीधा सा इसका जवाब है कि जब हमारा कर्ता बहुवचन हो तो हम बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग करेंगे, और जब कर्ता एक वचन हो तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसमें कुछ पर्सन की भी बातें आ जाती हैं, कुछ पर्सन से संबंधित बातें भी होती है। तो इसके संबंध में जो तीसरा पॉइंट है वो इस प्रकार से है, जो थर्ड पॉइंट है, आई संक्षेप में ही हम कर रहे हैं, आई वी यू दे तथा अन्य किसी भी बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, इसको हम वर्ब वन भी कहते हैं, का प्रयोग होता है।
ठीक ऐसे ही चौथा भी है कि ही सी इट तथा अन्य किसी भी एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, एक वचन कर्ता तो एक वचन क्रिया अर्थात भर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो पहले दो एग्जाम्पल्स लिखे थे इसी के आधार पर वो बना हुआ है। तो इसके समुचित अभ्यास के लिए आपको ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेज बनाने पड़ेंगे। आप हाई स्कूल लेवल का कोई बुक खरीद करके और इसका समुचित अभ्यास कर लें तो ये जो नियम है स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसका नकारात्मक रूप हमें मिलेगा। नकारात्मक रूप जिसमें आमतौर पर नॉट का प्रयोग होता है अर्थात इसमें अब निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से है। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, ये डू प्लुरल के लिए और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। फिर नॉट का स्थान आता है वर्ब 1। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो हम यहाँ मुख्य क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब 1 का ही प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दे देंगे। उदाहरण के लिए मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये जो नहीं शब्द आया हुआ है इस वाक्य को नकारात्मक बना रहा है। तो हम इस नकारात्मक सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर इसको अंग्रेजी में कर सकते हैं। सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, और आई के साथ अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि वर्ब 1 का प्रयोग होता है और इसमें वर्ब 1 के रूप में डू है तो हम यहाँ डू नॉट। फिर मूल क्रिया का पहला अर्थात टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इस प्रकार से एक और वाक्य लेते हैं। वह पटना में नहीं रहती है। तो इसमें भी हमारा वह है और रहती है इसका मतलब कि ये स्त्रीलिंग है तो वह के लिए हम सी देंगे और सी के साथ अब हमको ये सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर में हो जाएगा डज। फिर नॉट लिव इन पटना। एक बात यहाँ और है कि हम लोग इसको संक्षेप में डू प्लस नॉट को डोंट के रूप में भी लिख सकते हैं और डज प्लस नॉट को डजंट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो डोंट डजंट का प्रयोग अगर किया जाए तो और अच्छा रहेगा। वैसे आप किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।